अस्सलाम वालेकुम 11th क्लास के बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इससे पहले हमने इंग्लिश की दो पोएम्स पढ़ चुके हैं, देयर इज़ अनदर स्काई एमिली डिकिंसन की और अपॉन वेस्टमिंस्टर्स ब्रिज विलियम वर्ड्सवर्थ की। आज हम हमारी थर्ड पोएम पढ़ने जा रहे हैं, जो पेज नंबर 71 पर है, 2.2, द सोवर। द सोवर, सोवर सो कहते हैं बीज बोना, और सोवर कहते हैं बोने वाला, यानी किसान, फार्मर। ओके, अब यहाँ पर ये डिस्क्रिप्टिव पोएम है, एक बयानिया नज़म है जो किसान के हालात को बयान कर रही है। बच्चों, इस नज़म का मैसेज है इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मर, किसान की अहमियत एंड हिज अनरिकग्नाइज्ड सर्विस टू सोसाइटी, और उसकी एक नाकाबिले फरामोश खिदमात पूरे समाज के लिए। His simple life and how hard he works for us, और दिन रात वो मेहनत करके किस तरह हम लोगों के लिए अनाज को उगाता है जिसे हम खाते हैं। तो अल्लाह ने किसान का पेशा बहुत ही मुश्किल बनाया है। हम लोगों में से काफ़ी लोग किसान हैं, हम देखते हैं कि वो किस तरह से रात दिन मेहनत करके काम करते हैं। यस, तो दिस पोएम इज़ अबाउट ए फार्मर हु इज़ सोइंग सीड्स इन हिज फील्ड। ओके, He has seen many bad harvest in his life. उसने अपनी ज़िंदगी में कई ऐसे मौसम दिखे हैं जब उसे पेर कर भी कोई चीज़ नहीं मिली है, सब पूरा खेत उसका ख़राब हो गया है। However, he is an optimistic, लेकिन आज वो पुरुमीद है, of having a good harvest every time he tosses grain. जब भी वो फसल लगाता है तो अल्लाह से ये उम्मीद करता है कि इस बार उसको अच्छी फसल मिलेगी। तो पुरुमीद है यहाँ पर। ये ओरिजिनली फ्रेंच पोएम है विक्टर हुगो की, हुगो की, लेकिन यहाँ पे तोरुलता दत्त ने इसका ट्रांसलेशन, एक बंगाली पोएट है उसने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। चलिए बच्चों पढ़ते हैं। द सोवर, पेज नंबर 72। सिटिंग इन अ पोर्च वे कूल, शाम की ठंडक में वरांडे में बैठकर, पोर्च कहते हैं वरांडे को, किसान शाम की ठंडक में अपने पोर्च में बैठा है। सनलाइट, सूरज की रोशनी, आई सी डाइंग फास्ट, है ना, सनलाइट, सूरज की रोशनी, गुरूब आफ्ताब का मंजर, सूरज की रोशनी तेज़ी से कम हो रही है, डाइंग का मतलब मर रही है। अब सनलाइट डाई तो होता नहीं, सनलाइट इज़ ए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, बट द पोएट हेयर एड्रेसेस इज ए लिविंग, जो तो जब शायर नॉन लिविंग को लिविंग बयान करता है तो ओनोमेटोपिया कहलाती, ह्यूमन क्वालिटी दी गई हो तो, है ना। हाँ, और सनलाइट और सी दोनों SS भी हैं, इसलिए ओनोमेटोपिया भी और एलिट्रेशन भी। ओके, तेज़ी से क्या दिख रहा है, सूरज की रोशनी कम हो रही है, अपने घर के वरांडे में बैठा है। ट्वाइलाइट हसंस टू द रूल, रात तेज़ी से हुक्मरानी करने को तैयार है, हाँ, यानी रात तेज़ी से हो रही है। ट्वाइलाइट कहते हैं शाम का एकदम गुजरना और रात का आना, अंधेरा जाना, उजाला जाना और अंधेरा आना। शेडोज रन अक्रॉस द लैंड्स, ट्वाइलाइट हैसंस ऑन टू रूल, वर्किंग आवर्स हैव वेल नाय पास्ट, यानी काम करने के औकात तकरीबन वेल नाय यानी तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, सब ने काम ख़त्म कर चुके हैं, और साये और परछाई रात के अंधेरे आने से गुम हो चुकी है, यानी साया भी जा चुका है। शेडोज रन अक्रॉस द लैंड्स, है ना, साये भी भाग गए हैं, साये भागते नहीं, है ना, फिर यहाँ पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है, तो साये भी ख़त्म हो चुके हैं, इतनी रात हो चुकी है, बट ए सोवर, लेकिन किसान अभी भी लिंजर्स स्टिल, अभी भी वो लिंजर है, यानी किसान अपने खेत में काम कर रहा है, लिंजर बिल्कुल अभी ख़त्म नहीं हुआ है काम उसका। और किसान का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन इस लाइन में, ओल्ड बूढ़ा है, इन रैग्स फटे पुराने कपड़े हैं उसके, एंड पेशेंट और सब्र कर रहा है कि अगले साल फसल आएगी, स्टैंड्स खड़ा हुआ है, ओल्ड इन रैग्स ही पेशेंट स्टैंड्स। ये इन्वर्शन है बच्चों, इन्वर्शन में हमने आपको बताया कि शायर किसी लाइन में अल्फाज को बेतरतीब इस्तेमाल करता है और हमको तरतीब से करना पड़ता है ना, इनकरेक्ट वर्ड ऑर्डर। तो करेक्ट वर्ड ऑर्डर क्या होगा, देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ओल्ड इन रैग्स ही पेशेंट स्टैंड्स, करेक्ट वर्ड ऑर्डर होगा ही स्टैंड्स इन ओल्ड रैग्स पेशेंटली, है ना, ऐसा होगा।
लुकिंग ऑन आई फील अ थ्रिल, उसको देखकर शायरा को क्या हो रहा है, बहुत थ्रिल एंड रिस्पेक्ट महसूस हो रही, किसान को देखकर मुझे उसके लिए निहायत रिस्पेक्ट महसूस हो रही है। अपने खेत का मुआयना कर रहा है, बूढ़ा है, फटे हुए कपड़ों में है, सब्र कर रहा है, पुरुमीद है। लुकिंग ऑन आई फील अ थ्रिल, मुझे बड़ा उसका रिस्पेक्ट महसूस हो रहा है। ब्लैक एंड हाई हिज सिल हुल्ट, हाँ ऊंचाई पर काला काला है ना, उसे खेत की बॉर्डर नज़र आ रही है। सिलहुट का मतलब यहाँ पे बॉर्डर, बैकग्राउंड शेप, उसके खेत का शेप भी उसको नज़र आ रहा है ना। हाँ हाई और हिज दोनों एलिट्रेशन हैं। डोमिनेट्स हिज फरोज डीप, हाँ गहरी नाली में कतार में जो है वो अपने खेत को डालने के लिए तैयार है। ये तीनों अल्फाज किसान की लोनलीनेस बता रहे हैं कि किसान बहुत लोन अलोन है, अकेला है। एक तो हाई, एक डोमिनेट और एक ऑगस्ट, और बहुत सारे अल्फाज हैं जो किसान को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसलिए उनको कौन से अल्फाज कहेंगे हम, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है ना। जैसे किसान ओल्ड है, ये बूढ़ा है, ये भी डिस्क्राइबिंग वर्ब है। पेशेंट, वो सब्र कर रहा है, ये भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है ना। डोमिनेट्स द फरोज डीप, इन्वर्शन है ये भी है ना, द फरोज डीप ही डोमिनेट्स, ऐसा आएगा करेक्ट। तो गहरी नाली में कतार में क्या बो रहा है, बीज बो रहा है। नाउ टू सो द टास्क इज सेट, सो यानी पेरने का टास्क यानी काम, सेट तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, बीज बोने का काम मुकम्मल हो चुका है, तय हो चुका है, सेट सेट यानी तय हो चुका है। सून जल्द ही, शैल कम अ टाइम टू रीप, और जल्द ही वो वक्त आएगा जब वो फसल काटेगा, रीपिंग यानी फसल काटना। सून शैल कम अ टाइम टू रीप इन्वर्शन है ना, और सून शैल एलिट्रेशन है ना। A time will come, a time shall come, a time shall soon come to reap, a time shall soon come to reap, ये करेक्ट वर्ड ऑर्डर हो गया, इसलिए ये क्या हो गया, इन्वर्शन। ओके, मार्चेस ही अलोंग द प्लेन, मार्च ये लफ्ज मिलिट्री का है ना, हाँ वो पूरे खेत में मार्च कर रहा है, घूम रहा है ना, तो मार्च करना ये फौज की अलामत है ना, इसका मतलब वो इंचार्ज है पूरे खेत का। मार्च इज ही अलॉन्ग द प्लेन, पूरे चटियल खेत में इधर से उधर घूम रहा है। टू एंड फ्रो, ये एंटीथेसिस है, इधर से उधर, टू का मतलब इधर, फ्रो का मतलब इधर, सिनते तजाद, इधर से उधर। एंड स्कैटर वाइट, इधर से उधर घूम रहा है और चारों तरफ स्कैटर यानी फैला रहा है, क्या फैला रहा है, बीज फैला रहा है। फ्रॉम हिज हैंड्स, अपने उसके हाथों से, द प्रेशियस कीमती ग्रेन है ना, कीमती क्या है उसके हाथ से, ग्रेन। अब उसके हाथ में जो ग्रेन है अनाज, उसको बहुत प्रेशियस कहा गया है, इतना प्रेशियस तो नहीं होता है अनाज, ये हाइपरबोल है ना, यानी मुबालगा है। ओके, ओवर स्टेटमेंट है। म्यूज आई सी हिम स्ट्राइड, हाँ मैं उसको जो है म्यूज कहते हैं, सोचना और फिक्र करना, मैं सोच रही हूँ उसे तेज़ी से चलता देखकर, स्ट्राइड यानी तेज़ी से चलना, म्यूज यानी सोचना। तो यहाँ पे आई डबल है, देखो बेटे आई और आई, इसलिए रिपीट हो गया, रिपीटेशन भी है यहाँ पे, ठीक है। डार्कनेस अंधेरा, डीपन्स और गहरा हो रहा है, फेड द लाइट, और लाइट एकदम कम हो रहा है, डार्क लाइट और डार्क दोनों अपोजिट है, इसलिए एंटीथेसिस हुआ है ना, और डीपन्ड और डार्कनेस डी है, इसलिए एलिट्रेशन हो गया, ठीक है। अंधेरा गहरा हो रहा है, रोशनी चली गई है। नाउ हिज गेस्चर्स टू माई आईज, मेरी आँखें उसके गेस्चर्स यानी हरकत तो सकनात को पूरी तरह से देख रही हैं, हाँ सिनेक डॉक है ये है ना, हाँ मेरी आँखें उसकी हरकत तो सकनात को देख रही हैं, यानी उसकी हरकत तो सकनात पूरी तरह से अपनी आँखें नहीं देख सकती, लेकिन जब शायर किसी जूस को कुल बताता है, यानी पार्ट रिप्रेजेंटिंग होल, उसको सिनेप्टॉक कहते हैं, आगे हम इसको समझाएंगे। तीसरी क्वालिटी जो है इसकी बताई गई है अकेले की, आर ऑगस्ट, किसान बड़ा ऑगस्ट है। ऑगस्ट कहते हैं शरीफ है, मर्तबे वाला है, महान है। एंड स्ट्रेंज हिज हाइट, और जो है वो किसान बड़ा शरीफ, मर्तबे वाला, मुतासिर करने वाला, इंप्रेसिव फिगर है ना। सीम्स टू टच द स्टेरी स्काइज, अपने खेत में इतनी मेहनत कर रहा है, मानो ऐसा लग रहा है जैसे स्टारी आइस, जो आसमान तारों से भरा हुआ है, गोया उसे वो छू लेगा। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर फार्मर है ओल्ड, पेशेंट, स्लो, उसका हार्ड वर्किंग आ गया इसमें, उसका कॉन्फिडेंस आ गया, उसका डिसिसिवनेस आ गया, उसकी नोबिलिटी आ गई,
उसका होपफुल आना हो गया आ गया, ये सारे के सारे अल्फाज जो हैं पोएम में बताए गए हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं हम, चलिए उसके सॉल्व कर लेते हैं पेज नंबर 73 पे। इसकी राइम स्कीम बच्चों ABAB आपने देख लेना बराबर, और राइमिंग वर्ड्स निकाल के बताना हमको, कूल, रूल, फास्ट, पास्ट, है ना, आगे आपने निकाल लेना, ठीक है। अभी देखिए, देयर आर ए नंबर ऑफ चैलेंजेस ए फार्मर इन इंडिया फेसेस, कौन कौन से मसाइल का सामना इंडिया के किसान को करना पड़ता है। डिस्कस विथ योर फ्रेंड, आपके फ्रेंड से डिस्कस करिए, नाउ इट इज़ पॉसिबल टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ फार्मर्स, किसान की हालत को कैसे हम सुधार सकते हैं। जैसा पहले है, वाटर स्कैरसिटी, पानी की कमी को कैसे पूरा कर सकेंगे हम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, है ना, पानी को जमा करके। ओके, उसके बाद क्रेडिट एंड इनडेप्टनेस, किसान को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, उसको कर्ज लेना पड़ रहा है ना, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइडिंग सब्सिडी प्रोवाइड करना पड़ेंगे, गिविंग क्रॉप लोन्स। ओके, हाँ, उसके बाद लैंड इश्यूज़, ज़मीन के कई मसाइल हैं उसमें, तो गवर्नमेंट शुड हेल्प द पुअर फार्मर्स, है ना, एंड इम्प्लीमेंट फार्मर फ्रेंडली पॉलिसीज का यूज़ करना चाहिए, आपने लिखना सकते। उसके बाद क्लाइमेटिक चेंजेस, बदलते मौसमों के साथ उसके नुकसान होता है, तो क्रॉप इंश्योरेंस करना चाहिए इन केस ऑफ नेचुरल क्लाइमेटीज़, अगर कोई तूफान आता है, सैलाब आता है, या बारिश ज़्यादा आती है या कम आती है, तो क्लाइमेटिक चेंज होता है, तो क्रॉप इंश्योरेंस भी करना चाहिए। उसके बाद लैक ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, है ना, एडवांस टेक्नोलॉजी की कमी है, तो किसान को क्या प्रॉब्लम होता है, कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए, मॉडर्न हायर टेक्निक्स होना चाहिए, वेयर हाउसेस होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, ये सब गवर्नमेंट ने उसको प्रोवाइड करना चाहिए। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन, यानी खेती को किस तरह से अच्छा बनाना चाहिए उसको, उसके जैसे एग्रीकल्चरल एजुकेशन उसको देना चाहिए, टू ग्रो मोर वेराइटीज़, है ना, उनके बच्चों को अच्छा तालीम देना चाहिए, किसानों को डायरेक्ट उनको खेती की तालीम देना चाहिए, वगैरह वगैरह, यानी ट्रेडिशनल जो रिवायती खेती है उससे हटाकर उनको जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे इसराइल वगैरह में दी जाती है वैसे देना चाहिए। मार्केट से उसको रोशनास कराना चाहिए, कि सपोर्ट प्राइस उसको देना चाहिए, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी उसको सिखाना चाहिए, इंस्टॉलिंग कॉन्फिडेंस इन फार्मर्स, ये ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट है, द पोएट हैज़ ऑब्जर्व द सोवर क्लोजली, एक्सप्रेस इन योर ओन वर्ड्स द रेवरेंस टू द पोएट हैज़ फॉर द सोवर, पोएट ने सोवर को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, बहुत बारीकी से उसका जायजा लिया है, तो आपके वर्ड्स में आप इसको लिखिए, थोड़ा सा लिखना बेटे आपने, ठीक है, बिकॉज द पोएट्स saw that the farmer was very confident, he was optimistic, he is a hard worker person, he is in his field in the day and night, he is toiling in his field, wo bahut mashaqqat kar raha hai, yes, the poet is prompted to call the sower an august personality, yahan pe usko bada sharif, bada martabe wala kaha gaya hai, which means one who has reached the highest position in his workplace. तो इसमें कौन कौन सी पॉइंट आ रहे हैं, पहले हार्डवर्क पर लिखिए, हाउ हार्ड ही वर्क, कितना वो हार्डवर्क कर रहा है। दूसरा परसेवरेंस कहते हैं, कॉन्स्टेंट एफर्ट टू अचीव द टारगेट, अपने मकसद को हासिल करने के लिए अंतक कोशिश करना, ये भी क्वालिटी उसमें है, डेडिकेट कर रहा है अपने आप को, यानी अपने आप को वक्फ कर दे रहा है, तो तीनों पर लिखिए आप, फार्मर इज़ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी, ही गोज टू हिज फील्ड अर्ली इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न्स इन द नाइट, ही वर्क्स हार्ड इन हिज फील्ड बिकॉज ही नो डैट all the people of our country is depend upon his crops. Okay, so he has done perseverance, he constantly effort to achieve his target. Okay, he dedicate his life for his work. Okay, example of alliteration to humne puri bataya aapko, hai na, wo likhiye aap. Okay, uske baad starry eyes kai ko bol raha hai, hai na, स्टारी आइज काय को बोल रहे हैं, उसे सिमिलर एक्सप्रेशन पोएम में कौन कौन सी दी गई है, ये आपको इसमें से लिखना है, ठीक है, स्टारी आइज से। उसके बाद आपको एप्रिसिएशन लिखना है पोएम का, पोएम का टाइटल लिखिए, उसकी थीम लिखिए, है ना, थीम पोएम की क्या है, यहाँ पे हम आपको बता दें, थीम यह है कि फार्मर इज़ वर्किंग इन हिज लैंड, टेकिंग अपॉन हिमसेल्फ द हार्ड वर्क, है ना, ही इज़ प्लॉडिंग, ही इज सेइंग, ही इज़ अलोन इन हिज फील्ड, ओके, ही सीक्स नाइदर हेल्प फ्रॉम एनी बडी, है ना, नॉर ही नीड्स डूइंग, ही इज़ अलोन, ही इज़ वर्किंग हार्ड, थीम उसका मैसेज हमने आपको शुरुआत में बताए हैं, द इम्पॉर्टेंस ऑफ फार्मर इज हिज अनरिकग्नाइज सर्विस ऑफ सोसाइटी, ही लिव्स वेरी सिंपल लाइफ एंड ही वर्क्स वेरी हार्ड, ओके,
पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी, ये सब हमने आपको बताया है। इन्वर्शन है, ओनोमेटोपिया है, सीनेक डॉक है, एलिट्रेशन है, रिपीटेशन है, ठीक है। स्पेशल फीचर्स इस नज़्म के ये है कि यहाँ पे बताया गया है कि द लैंग्वेज हैज़ कंप्राइजेस टू यूज्ड इन ए मैनर्स टू क्रिएट अ कमांडिंग फिगर है। यहाँ पे मीन्स एलिट्रेशन सिम्बोलिज्म है यहाँ पे, और रिदम है ना, रिदम है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर आपको मिलता है। मैसेज क्या मिलता है अभी हमने आपको बताया, और आपकी ओपिनियन क्या है इस नज़्म के बारे में ये भी आपको लिखना है। माई ओपिनियन अबाउट द पोएम इज सो एंड सो, जो भी है 5-10 लाइन आप लिखना सीखिए। ओके, समरी लिखिए इस पोएम की, है ना, क्या लिखिए इस पोएम की, समरी। नेक्स्ट आप क्या करिए, कंपोज ए पोएम ऑफ योर ओन। आप कोई किसान के बारे में छोटी सी पोएम कंपोज कीजिए, जैसे ही स्वेट्स, उसका पसीना बहता है ना, सुबह से लेकर शाम तक, ऐसा कंपोज कीजिए इंग्लिश में। ही डज नॉट फ्रेट, वो पीछे नहीं हटता, है ना, पीछे नहीं हटता अगर बारिश ना होगी तो मेहनत करेगा। ही सोस, वो पेरता है सारे किस्म के बीज, लिखो इंग्लिश में, है ना। टू द सॉइल ही बॉस, ये पॉइंट नहीं लिखना है क्योंकि ज़मीन के सामने झुकता है तो झुकना तो नहीं है। इमेजिन डैट यू आर ए फार्मर फ्रॉम ए ड्रॉट प्रोन एरिया। आप कोई ड्रॉट प्रोन एरिया यानी कहे ज़्यादा इलाके के किसान हैं। एक लेटर आपको न्यूज़पेपर में एडिटर के नाम लिखना है और पॉसिबल सॉल्यूशंस देना है कि हम किसानों की किस तरह से मदद की जाए, तो आप एक लेटर लिखिए हमको बताइए। नेक्स्ट है, एग्रीकल्चर इज़ द प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन इन महाराष्ट्र डैट हैज़ मेनी करियर अपॉर्चुनिटीज़। एग्रीकल्चर में काफ़ी सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ नीचे दी गई हैं, ये सारी की सारी हैं। उम्मीद है कि बच्चों आपको ये पोएम समझ में आई होगी। आप इसकी एक्टिविटीज़ पूरी सॉल्व कीजिए, इसका आप इसको बहुत अच्छे से घर पे पढ़िए। दिस इज़ एन डिस्क्रिप्टिव पोएम रिटन बाय विक्टर हुगो। ओके, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से समझिए। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से पोएम समझ में आ गई होगी। ओके, बाकी के अपन इंशाल्लाह इसको पूरा हम एक्सप्लेन बहुत अच्छी तरह से, अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आए तो पूछ सकते हैं, वरना हम क्लास में तो आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाले हैं, है ना, और बहुत अच्छा पढ़ाने वाले हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।